अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी रेसिपी है एग स्पेशल बिरयानी, जिसके लिए मैंने देखिए सब कुछ लिया हुआ है। यहाँ पे खोपरा है, टमाटर है, तिल है, और अदरक लहसुन मिर्ची भी है, अंडे हैं, आलू है, 5 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए जिसे मैंने कट कर लिया अच्छे से। तो चलिए आज का जो रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ पानी में, उसमें अंडे डाल देते हैं। सबसे पहले तो हम अंडे को अच्छे से बॉईल कर होने देंगे 15 से 20 मिनट तक, अच्छे से पका लेंगे। नमक इसलिए ऐड किया है ताकि अंडे जो है ज़्यादा टूटे नहीं, इसलिए मैंने खास इसमें नमक ऐड किया है। देखिए अंडे बॉईल होने लगे काफ़ी अच्छे से, अब इसे मैं बंद कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मैंने तवा रख दिया है गैस पर। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। तेल डाल के मैं इसमें अंडे जो हैं सारे फ्राई कर लूँगी लाइट ब्राउन होने तक। अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे सारे अंडे को। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है बर्तन जिसमें मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। चलिए इसमें डालते हैं हम तेल। तेल डालने के बाद मैं इसमें आलू भी जो है काफ़ी अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। अभी तो मैंने अंडे फ्राई कर लिए हैं, अब चलिए आलू भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बिरयानी में आलू तो बहुत ज़रूरी है, आलू बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। इसे चलिए अच्छे से हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। चलिए आलू अच्छे से हो गए, अब हम इसे निकाल लेते हैं जल्दी से। अच्छे बस इसी तरह हमें लाइट ब्राउन तक से तल लेना है। चलिए इसे मैं अब निकाल लेती हूँ सारी प्लेट में। चलिए अब इसमें तेज़पत्ता डाल देती हूँ, 3 दालचीनी डालती हूँ, साथ में डालूँगी थोड़े इलायची, थोड़े लौंग, ज़ीरा, शाहजीरा और काली मिर्च, सारे गरम मसाले। जो फ्रेंड मैंने गरम मसाला जो है पीस के नहीं डाला है, सब ऐसे ही तरह डाली हूँ। इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से गरम मसाले डालने। अब चलिए प्याज भी डाल देती हूँ। अब हमें इसे अच्छा गोल्डन फ्राई कर लेना है सारे प्याज को अच्छे से। चलिए पका लेते हैं जल्दी से प्याज को भी अच्छे से लाइट गोल्डन फ्राई होने तक। उसके बाद हम इसमें सारे पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने खोपरा और तिल्ली जो है अच्छे से पीस लिया है। चलिए यहाँ इसे देख लेते हैं प्याज को जो है ज़रा जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है हो गया अब अच्छा। चलिए इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल देती हूँ, जिसे मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। साथ में अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी खोपरा और तिल, जिसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। फ्रेंड्स, ये खोपरा और तिल हैं। दही अभी मैंने नहीं डाला है, दही डालूँगी। अब इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्ची पाउडर, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। नमक मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है अपने हिसाब से, देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। चलिए अब इसमें दही डाल देते हैं। दही भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम अच्छे से मिक्स कर ले दही को। देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह मसाले का। देखिए मसाला अच्छा भुन भी गया। देखिए फ्रेंड, मसाला कितने अच्छे से भुन गया। अब इसमें मैं अंडे ऐड कर देती हूँ, साथ में जो पोटैटो हम हमने फ्राई करके रखे हैं इसे भी ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। संभाल कर कीजिएगा कहीं अंडे जो है टूट ना जाए इस हिसाब से अच्छे से। देखिए माशाल्लाह अंडा टूटे नहीं है। चलिए अब मैंने एक तरफ रख दिया है चावल।
चावल हमें बिरयानी के लिए चाहिए। इसे हम थोड़ा कच्चा पक्का पकाएंगे, एकदम फुल नहीं, अच्छे से पकाएंगे। नमक डाल देते हैं इसमें, टेस्ट के हिसाब से डालिए, आप किस हिसाब से खाते हैं नमक उस हिसाब से डालिए। चावल मैंने लगभग लिया है 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसमें मैंने शाहजीरा डाला है, साथ में थोड़ा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, जिससे चावल जो अच्छा बने। लेमन जूस मैंने एक ही डाला है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक जो हमने डाला है इसमें। चलिए देखिए देखिए कितना अच्छा चावल जो है पक रहा है। थोड़ा चावल निकाल के देख लेते हैं कितना पका है कितना नहीं, काफ़ी अभी कच्चा है चावल तो इसे थोड़ा पकने देते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैं अब इसमें जा रही हूँ कोयले को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि मैं इसका क्या करूँगी। फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना कोयले का थोड़ा बघार दिया जाए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना सच में। देखिए इसकी जो खुशबू है ना माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। चलिए इसे अच्छे से कवर करके रख देते हैं वरना इसकी खुशबू जो है सब बाहर निकल जाएगी। इसके लिए मैंने इसे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए हो गया है फ्रेंड्स, अब हम जो हैं फ्रेंड मैं ये जो बिरयानी है परत वाली नहीं बना रही हूँ, एक ही बार जो सारे चावल हैं उसके ऊपर मैं डाल दूँगी अच्छे से इस तरीके से, क्योंकि अंडा बिरयानी है जिसमें हमारा अंडा टूट ना जाए, ज़्यादा परत नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। चलिए मैंने ऊपर से थोड़ा घी भी डाल दिया है, साथ में अब डालने जा रही हूँ कलर, फूड कलर है। मैंने 2 कलर लिए हैं, एक रेड कलर लिया है एक येल्लो कलर लिया है, आप चाहे तो एक या दो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी कलर ले सकते हैं, बस थोड़ा अच्छा लगता है। चावल में इस तरीके से डाल देंगे चम्मच की मदद से मैंने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसे हम इसे दम पे रख देंगे। चलिए और कुछ वज़न सा चीज़ भी रख देते, देखिए मैंने ये रख दिया सिलबट्टा। देखिए फ्रेंड्स मेरी बिरयानी जो है रेडी हो गई है, मैंने इसे सर्व भी कर लिया है प्लेट में और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं, और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की। सो फ्रेंड्स आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करना मेरी इस एग स्पेशल बिरयानी को, ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती रहूँगी अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों को फटाफट। तो फिर अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय।